लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। बड़वा में भाजपा कार्यकर्ता और पार्षदों ने नगर पालिका में विकास कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के विरोध में रैली निकालकर एसडीएम मिलिंद ठोके को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बड़वा की नगर पालिका ने तय मापदंडों को तरकिनार कर सीवरेज लाइन की खुदाई की जा रही है। खुदाई के बाद पानी निकासी के लिए डाले जा रहे पाइप की चौड़ाई को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। खुदाई के बाद रोड को वैसा ही छोड़ दिया गया जिससे दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। साथ ही 6 माह में पीएम आवास योजना द्वितीय चरण के लाभार्थियों की दूसरी किश्त आवंटित नहीं की गई जिसके कारण हितग्राही परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। पार्षद दल के डेलीगेशन ने एसडीएम साहब से नगर के किन कार्यों को लेकर मुलाकात करी और उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपकी क्या मुख्यतः मांगे, आज क्यों ये आंदोलन करना पड़ा? हम जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उसमें प्रमुख 4 से 5 मुद्दे थे, जिसमें प्रथम था सीवरेज लाइन को लेकर। सीवरेज लाइन में केंद्र सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है उस राशि को नगर पालिका द्वारा अनियमितता से काम कर रहे हैं, उसके मापदंडों पर कार्य नहीं हो रहा, उटपटांग काम हो रहे हैं और पूरे नगर को खोद के रख दिया। और जो उसमें सीवरेज लाइन में जो पाइप है, मूलतः हमारा उसका उद्देश्य ये है कि वो पाइप जो है उसका मतलब जो चौड़ाई है वो मात्र 4 इंची, कम से कम 1 फीट का होना चाहिए। और दूसरा, वो जो पानी है, पानी को नर्मदा जी में छोड़ रहे हैं तो हमारी धार्मिक भावनाओं पे भी ठेस पहुंच रही है, इसलिए हमने पहला। दूसरा मुद्दा ये है हमारा आवास योजना की द्वितीय चरण की जो किस्तें हैं वो अभी तक नगर पालिका द्वारा नहीं डाली गई। तीसरा, आपका नगर में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा। और चौथा मुद्दा हमारा जो है वो वार्ड नंबर 2 और बड़वा नगर में जो भी निर्माण काम अधूरे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा। ये आंदोलन आगे भी जाएगा? पूर्णतः जाएगा। हम इसको प्रथम चरण पे आज ज्ञापन के रूप में, अगर कभी ऐसा आया मौका तो हम और आंदोलन करने के लिए तैयार। जो ज्ञापन दिया है उसमें पार्षद से प्रतिनिधि देखने को मिले, तो पार्षद